अस्सलाम वालेकुम, की हाल है वीरो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करने हैं सारे वीर ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज दी वीडियो में असीं गल करांगे टायरां दे रेट दे मुतलक। दोस्तों जिस तरह कि तुसीं वेखदे पए हो साडे कोल टायर पए ने, इह टायरां दा दोस्तों जिस तरह कि स्क्रैप लोहे दा हर चीज़ दा रेट बैक आ रहा, ते जनाब उहदे नाल नाल जिहड़े टायर ने उह टायरां वाला प्रोग्राम वी फुल प्लज वड़िया पिआ। ते दोस्तों हर चीज़ दा रेट डाउन हो रहा, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब दे मुताबक जिन्ना किसे चीज़ दा रेट डाउन होवेगा उहना आपां नूं उहदा ज़्यादा बैनीफिट है। ज़्यादा बैनीफिट दोस्तों इस तरह, दोस्तों पहले तो गल है भी आप फर्ज करो महंगा समान खरीदया है, माल खरीदया है, अगर उन्हें सस्ता बेचेंगे तो दोस्तों अपना जहरी गल है नुकसान है। लेकिन दोस्तों अगर इनवैसटमेंट को वेखते हैं, पैसे को वेखते हैं, जिन्ना किसी चीज़ का रेट घटेगा उन्ना ही अपन ज्यादा फायदा है। दोस्तों जिस तरह ही हर चीज़ का रेट घटेगा जहरी गल है महंगाई भी घटेगी, सारा माहौल सैट होगा। चलो कोई नहीं, एक दफा साढ़े पैसे घट गए ने, माल चो पैसे घट गए ने, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोस्तों कारोबार का हिस्सा है जरा नफा नुकसान है, कारोबार का हिस्सा है। उन्हें कहते हैं भी नुकसान पहले ते नफा बाद, कोई टेंशन लैन की जरूरत कोई नहीं। दोस्तों जिस तरह तुम वेखते पे हो साडे कोल टायर सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 महीने के राउंड पे ने। हले थोड़ी देर पहले जनाब साडे कोल तकरीबन टायर पिया सी 500-600 किलो टायर पिया सी, जिहड़े कि डीलर चुकन नहीं सी आंदा है। जिस तरह दोस्तों रेट बैक हुंदा है, मैं तुहानू दसदा जावां, रेट बैक किसी भी चीज़ का हुंदा है, ते फिर जिहड़े डीलर ने वह जनाब आने छड़ जांदे ने, माल खरीदना छड़ जांदे ने, क्योंकि हर बंदे का यह जिन हों जनाब असी पिया पे अपना माल क्यों घटाइए, अपना नुकसान क्यों करिए। जिस तरह किसी डीलर को कोई रेट मिलता है तो फिर जनाब वो भजते हैं माल खरीदने वास्ते। असी जनाब बड़े दिनों के रबता करते पे टायर आओ यार टायर चुक लाइयो, लेकिन कोई बंद का किसी का रिस्पोंस नहीं आता, कोई माल चुकन नहीं आता। एक बंद कल कॉल की भी भाई साढ़े को इन्ने टायर पैने, उन्हें कहा सू वीडियो सेंड करो। जिस टाइम वीडियो सेंड की उन्हें कहा भाई जान इस रेट से माल खरीदा, इस रेट से यानी कि दोस्तों असी टायर सारा जो वाला टायर है रेहड़ी वाला ट्राले वाला ट्रैक्टर वाला दोस्तों वो खरीदे रहे 40 रुपए किलो, ठीक है 35-40 रुपए के राउंड बोन। दोस्तों उस अलावा जो मोटरसाइकिल टायर है वो 30 रुपए किलो खरीदे रहे हैं, 30 रुपए 35 रुपए किलो के दरमियान। जनाब कल जिस टाइम कॉल की उन्हें वीडियो सेंड की उन्हें अपनी मर्जी का फिर रेट गया, उन्हें कहा जनाब इस रेट से असं माल खरीदा, यानी कि 35 रुपए किलो साढ़े को वाला टायर खरीद के लगाए हैं। उस अलावा दोस्तों जो मोटरसाइकिल टायर ने 30 रुपए किलो खरीद के लाए हैं, यानी कि 200-600 किलो वजन असी बोन किया। बोन करने तो बाद जनाब को लगभग 15 दिन 20 दिन महीना असी बोन करके पैसा बोन करके फिर जो रेटो रेट माल चुकाया है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का जिसम रेट करता डीलर कोई गलबात नहीं सुनते, लिहाजा दोस्तों अज का जो मौजूदा रेट साढ़े को टायर का है वड्डा टायर जो 35 रुपए किलो, उस अलावा जो मोटरसाइकिल टायर है 30 रुपए किलो साढ़े को ऑलरेडी डीलर खरीद के लै गया, यानी कि असी कोई 5 रुपए रख के हूँ आइंदा जो माल खरीदा। उस अलावा दोस्तों किसी को कहते हैं भी किसी को माड़ा वेख के उनके ते प्रेशर नहीं पाईदा, अगला बंदा पता नहीं किवें दा हुंदा। तो दोस्तों गल करन दा मकसद है भी किसी के मैले कपड़े वेख के मैले जुत्ती वेख के अगले बंदे नूं अकीर नहीं जानीदा भी यार ये बंदा पता नहीं किवें दा बंदा एवें दुबका दे। दोस्तों मेन टॉपिक फेरा सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप दे मतलब के मैं किसी बंदे ते तंज नहीं करदा पिया। दोस्तों गल करन दा मकसद, एक दोस्त फ्रिज लैके आया साडे कोल, कल एक फ्रिज लैके आया। दोस्तों पहले कंपनी की फ्रिज सी बिल्कुल मीडियम साइज सी, जिवें कह लो तुसीं बिल्कुल बच्चा जिहा सी, बच्चा या दोस्तों फ्रिज सी, लेकिन दोस्तों उन्हें कोई बंदा हाथ नहीं पाता। और जो बंदा उनके फ्रिज वाले को मालक को जाता से बंदा मंगता से उनका 8,000 रुपए, लेकिन वह भाई के बकोले कहता यार काफी जो फेरी वाले से मुड़ के गया चले किसी बंद ने फ्रिज नहीं ली, वह 8,000 रुपया मंगते से वह बंदे लाते 4,000-4,500 रुपए। एक जो सा फेरीवान से जनाब उत्थे गया चला, उन्हें जाके वेख्या फ्रिज में, फ्रिज वेख के वह भाई ने मंगिया 8,000 रुपया। करद्या करा किस्सा मुख्तसर जनाब, वह बंदे ने लै ली फ्रिज 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की दोस्तों जिसम उन्हें फ्रिज लाई, तो उन्हें लिया के घर भन्नी तोड़ी भन्न तोड़ के जनाब जिसम साढ़े को माल लैके आया, फ्रिज का माल लैके आया। दोस्तों का माल तोलिया से दोस्तों अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला वह जनाब फ्रिज हुई 13,500 रुपए की। जिन्हों कोई दोस्तों कोई बंदा लैन तैयार नहीं सेगा भी छोटी जी फ्रिज इन की निकलेगा। दोस्तों कह मकसद है भी किसी के माड़े कपड़े जुत्ती वेख के बंदा एवं एक बंदा कह देता भी यार पता नहीं है फलू जाए फिर, लेकिन दोस्तों मैले कपड़िया च मैली जुत्ती च ऐसा ऐसा बंदा होंगे भी अपनी सोच गुम हो जाती। उस तरह ही दोस्तों फ्रिज न कोई छोटी वेख के छोटा कद वेख के दोस्तों कोई बंदा खरीदने तैयार नहीं सी, लेकिन भाई ने खरीदी 6,000 रुपए की। दोस्तों 13,500 रुपए की उस बंद ने फ्रिज भन्न के तोड़ के सानू तलाक गया। दोस्तों उन्हें माल है तुम आप ही उन्हें कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों 8.5 किलो प्लास्कट उस फ्रिज का निकलिया, यानी कि 100 रुपए किलो अं प्लास्कट खरीद लिया, 850 रुपए का 200 हो गया प्लास्कट। उस अलावा 216 किलो लोहा निकलिया, 120 रुपए किलो अं लोहा खरीद लिया, 1980 रुपए का। उस अलावा 203 किलो सिल्वर निकलिया, 510 रुपए किलो सिल्वर, 1530 रुपए का। कंप्रैसर 200 का आया 10 किलो, 10 किलो कंप्रैसर 355 रुपए किलो कंप्रैसर, 235 रुपए का। उस अलावा सब तो जरा मेन उनकी
एवरेज उत्ते जाने की जड़ी उनकी वजह है दोस्तों, उन्हें जो 2 किलो 100 ग्राम कप निकलिया, 2 किलो 100 ग्राम दोस्तों कप निकलिया 5,040 रुपए का दोस्तों। अलग जो फुल सैल फ्रीजर होंगे उन्हें जो दोस्तों जरा कप निकलता 2 किलो 2.25 किलो 2.5 किलो निकलता, लेकिन मीडियम सैज बिल्कुल छोटा सैज फ्रिज और खड़ी फ्रिज दोस्तों 2 किलो 100 ग्राम उनके कप निकलिया, उस अलावा दोस्तों 300 ग्राम उनके ठंडा निकलिया, कुल मिला के माइनस जमा करके 213,500 रुपए की वह बंदे ने फ्रिज भन के तोड़ के सेल की। दोस्तों किसी के माड़े जुत्ती कपड़ा वेख के उन्हें नहीं छी दा, यारा नाल यही लाई दी होंगी। तो दोस्तों अज जो मौजूदा टायरों के रेट वह भी तुम दस दिता, उस अलावा दोस्तों जरा स्क्रैप का मजीद जरा कि उनका रेट डाउन होने की ऑप्शन ही आ रही, जनाब कह रहे हैं रेट डाउन होना, क्योंकि दोस्तों जरा पेट्रोल है उन्हें 2 रुपए की कमी आई है। चलो उन्होंने शफकत जिन्होंने 2 रुपए घटाते, लेकिन दोस्तों टेंशन लैन की कोई जरूरत नहीं, परेशानी लैन की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जिन्ना माल अपने को आसा आसा सेल हो जाना परेशान, क्योंकि दोस्तों जिस तरह के टायर साढ़े को 15 दिन 20 दिन बाद जो डीलर आके लाए गए हैं, कोई किसी किस्म की परेशान होने की जरूरत कौन है। तो दोस्तों जिन्नी इनफॉर्मेशन डेली बेसिस साढ़े को आँगी दोस्तों के पहुंचा दे दी, अगर वीडियो लगे चंगी वीडियो लाइक कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों लाजमी शेयर कराया, जो मिलने फिर तुम्हें किसी अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।